स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की गौरीघाट के कालीघाट के नहाने आए 5 दोस्तों में 2 दोस्त नहाने के दौरान तेज भाव में बह गए। वहीं चीख पुकार के बाद गोताखोरों ने दोनों युवकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक गहरे पानी में समा गए। वहीं सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई। बताया जा रहा है कि छोटा फुहारा क्षेत्र के सूजी मोहल्ला से पीयूष सेन रोहित सूर्यवंशी अपने अन्य दोस्तों के साथ कालीघाट में नहाने के लिए आए हुए थे, जहां 5 युवक नदी में नहाने गए। इस दौरान नहाते नहाते पीयूष सेन और रोहित सूर्यवंशी नदी के तेज भाव में बहने लगे। वहीं उनके साथ ही दोस्तों ने पीयूष और रोहित को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गहरे पानी में डूब गए। वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय गोताखोरों के द्वारा नदी में डूबे दोनों युवकों की तलाश की गई, लेकिन दोनों का सुराग नहीं लग सका। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा नर्मदा नदी में डूबे दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। बहरहाल दोनों युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। नाम लखन सूर्यवंशी। कैसे कैसे डूब गया था आपका बच्चा? हम वो अब यहीं आए थे, 4-5 लड़के नहाने के लिए आए रहे। जैसा भी हो सर, अपन तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के लिए गए थे। अब वही जब आ गए, अपन को 2-2.5 बजे पता चला, जैसे भागते चले आए उनके। कितने दिन से, अभी कितने दिन होगा ढूंढते हुए? जब कल ही की बात है, कल 1:30 बजे नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। क्या नाम था बच्चे का? रोहित। और दूसरे बच्चे का? दूसरे का नाम रहो है, का नाम रहो, रुक जाओ, तो नाम ही नहीं आ रहा हम बच्चे का। हाँ जी। तो 5 लोग आए थे, तो 2 अपने हमारा बालक और वो लड़का पीयूष सेन, दोनों डूब गए हैं। और 3 लड़के बाहर घटनास्थल में उन्होंने खबर दिया है। 10-17 कैसे घर से क्या बोल के निकले थे ये लोग? अब सर जी हम तो रहे नहीं, अब मम्मी से बोल लेते कि आ रहे हैं, मम्मी अभी आ जाएंगे घंटा खान। अभी 1.5 दिन से रेस्क्यू चल रहा, नहीं मिल पाए ना? नहीं मिल पाए सर जी। नहीं। आपका नाम बताइए। लखन सूर्यवंशी। संजू भाई, ये क्लोज थाना ग्वारीघाट में नर्मदा नदी पर कालीघाट है, बड़ा फुहारा के 2 लड़के पीयूष सेन और रोहित चौधरी नहाने गए थे। फिर सूचना आई कि वो दोनों नदी से निकले ही नहीं है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम बुलाई गई, एसडीआरएफ बुलाई गई है। अभी तक वो नहीं मिले हैं, गुम इंसान इसमें दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम से उनको बरामद कर लिया जाए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।